हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 4। अगर अभी तक आपने पार्ट 3 विजिट नहीं किया है तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 3 विजिट कर सकते हैं। पार्ट 4 की स्टार्टिंग अपन दो डेफिनेशन के साथ करते हैं, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू की और एक एक्टिवेशन एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है, तो सबसे पहले ये देखते हैं थ्रेशोल्ड वर्ड का क्या मतलब होता है। तो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस करने के लिए जो अमाउंट रिक्वायर्ड होती है उसे अपन क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड। ये थ्रेशोल्ड वर्ड आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी आप सुनेंगे, फिजिक्स में जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे तो उसमें भी सुनेंगे। तो यहां थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए किसमें कन्वर्ट होने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उसे अपन क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है। अब एक और चीज, हर मॉलिक्यूल के पास एक गिवन टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ एनर्जी तो पहले से ही होती है। इसका मतलब है उसे टोटल उतनी वैल्यू नहीं चाहिए जितनी थ्रेशोल्ड है, उसे उससे कुछ कम चाहिए। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करो कि एक रिएक्शन होने के लिए एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट को 100 जूल एनर्जी चाहिए, और मान लो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जो भी टेम्परेचर पे वो रिएक्शन हो रही है उस टेम्परेचर पे उसके पास पहले से 25 जूल एनर्जी है। तो 100 जूल तो टोटल रिक्वायरमेंट ही, वो तो क्या कहलाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। पर एक्चुअल में उसे कितनी चाहिए, 25 तो उसके पास है, उसे कितनी चाहिए, 75 ही चाहिए। तो वो क्या कहलाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी विच बी पॉजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी। एंड द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्स्ट्रा किससे, कुछ तो उसके पास है और ऊपर और जो चाहिए, रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इंटू प्रोडक्ट, वो क्या कहलाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी में से अपन रिएक्टेंट के पास जितनी है उसको माइनस कर देंगे। अभी भी अपन ऐसे किया था अपने एग्जांपल में, 100 जूल जो थी अपन ने क्या मानी थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, और 25 जूल उसके पास पहले से थी। तो एक्टिवेशन कैसे निकाली, 100 माइनस 25, 75 हो गई। ठीक है, अगला लेते हैं कॉलिजन थ्योरी। तो देखो, आपकी बुक में दो थ्योरी है, कॉलिजन थ्योरी और एक ट्रांजिशन थ्योरी, किसको समझाने के लिए कि रिएक्शन होती कैसे। ठीक है, तो पहले अपन करते हैं कॉलिजन थ्योरी। एक चीज मैं यही क्लियर कर देता हूं, आपकी गवर्नमेंट बुक, राजस्थान की जो गवर्नमेंट बुक है उसमें कॉलिजन थ्योरी के जस्ट नीचे साफ साफ लिखा हुआ है, नो मैथमेटिकल डेरिवेशन। मतलब कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं, सिर्फ थ्योरिटिकल इस टॉपिक को समझाना है। जब आप बीएससी वगैरह करते हैं तो इसका डेरिवेशन भी आता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये थ्योरी जो थी वो ट्रॉज और लेविस ने दी थी, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि एकदम सिंपल भाषा में बोला जाए तो रिएक्शन होने के लिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, और उस कॉलिजन की वजह से वो किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस, फॉर अ रिएक्शन टू अकर रिएक्टिंग स्पीसीज मस्ट कोलाइड विथ वन अनदर। ड्यू टू दिस कॉलिजन ओल्ड बॉन्ड जो होंगे, वो पहले से जो बॉन्ड होंगे रिएक्टेंट के बीच में, वो ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। Due to it, product are formed, और इसकी वजह से product बनते हैं, कोई problem नहीं। अगला लेते हैं, कुछ key point देखते हैं इस collision theory को। सबसे पहले, reactant molecule को अपन hard spherical मानेंगे और उनके बीच collision होता रहेगा, और उस collision से अपन क्या assume करते हैं कि reaction होगी। ये पहला point, reactant molecule are assumed to be hard sphere and they collide with each other. Second, total number of collision per second in unit volume is known as collision frequency. हर सेकंड एक यूनिट वॉल्यूम में कितने कॉलिजन हो रहे हैं उसे अपन क्या कहेंगे, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। और इस कॉलिजन फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है, करीब 10^25 टू 10^28 कॉलिजन पर सेकंड पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है। और अगर इससे माने कि इन हर कॉलिजन से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा फास्ट होगी, लेकिन इस डेटा के अकॉर्डिंग रिएक्शन उतनी फास्ट नहीं हो पाती। तो उसका कारण क्या समझा जाए कि सारे कॉलिजन किस में कन्वर्ट नहीं होते, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। इसका मतलब सारे कॉलिजन क्या नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, वो पॉइंट अपन अगला लिखेंगे। ऑल कॉलिजन अमंग द रिएक्टेंट स्पीसीज एट अ गिवन टेम्परेचर आर नॉट इफेक्टिव टू ब्रिंग अ केमिकल रिएक्शन, ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कॉलिजन आर कैपेबल टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ही रिएक्टेंट को किसमें कन्वर्ट कर पाता है, प्रोडक्ट में। अब एकदम सिंपल सा ह्यूमन क्वेश्चन है कि इतने सारे कॉलिजन होते हैं तो फिर उसमें से कुछ कॉलिजन ही प्रोडक्ट में क्यों कन्वर्ट होते हैं, कोई कारण होगा। और ये कारण आपके बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है कि कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग दो
बैरियर के नाम बताओ जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से रोकते हैं। तो वो दो बैरियर कौन से, अच्छे से याद रखना, इस पे क्वेश्चन बहुत बार आता है, एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर। मतलब सारे कॉलिजन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से सब कॉलिजन को ये दो बैरियर पार करने पड़ते, एक एनर्जी बैरियर और एक ओरिएंटेशन बैरियर। जो ये पार कर लेता है वो कॉलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो नहीं कर पाएगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं ये है क्या। तो पहला है एनर्जी बैरियर, जो अपने यहां पे पहले ही कहा कि हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एक कुछ एनर्जी होनी चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, जिसे क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका मतलब वो कॉलिजन ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं जिनमें उन मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी थी, कॉलिजन थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी थी। अगर उन मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम वैल्यू की एनर्जी है तो फिर वो टकराएंगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो ओनली दोज कॉलिजन आर इफेक्टिव इन विच कोलाइडिंग पार्टिकल हैव एटलीस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी। एटलीस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो तो चलेगी, विच रिक्वायर टू ब्रेक ओल्ड बॉन्ड। और वो क्यों जरूरी है, ताकि ओल्ड बॉन्ड जो है वो तोड़े जा सके। ठीक है, बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर का क्या मतलब है, जैसे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की खुद की कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होगा, तो हर तरफ से अगर वो एक दूसरे से टकराए तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। एक सर्टेन अलाइनमेंट, एक सर्टेन ओरिएंटेशन में वो एक दूसरे की तरफ टकराएंगे तो ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। इसको अपन समझते हैं, जैसे एक रिएक्शन है NO2 और NO2 क्या बनता है, N2O4। आपके P ब्लॉक वाले चैप्टर में ये रिएक्शन आएगी, डाइमर बनता है NO2 का, NO2 और NO2 दो मिलकर क्या बनता है, N2O4। अब ये बनने के लिए देखो, ये NO2 का एक मॉलिक्यूल, ये NO2 का दूसरा, इसमें ये N है, ये OO, ठीक है। अब अगर ये इस तरीके से टकराए, जैसे कि इस रिएक्शन में दे रखा है, तो जो नया बॉन्ड बनना है वो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बनना है, और ये जो कॉलिजन है ये अलाउ भी करेगा, जब वो एक दूसरे की तरफ आएंगे टकराएंगे तो उन दोनों के बीच में बॉन्ड बन सकता है। तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है, और इस तरह की कॉलिजन से प्रोडक्ट बन जाएगा, ये इफेक्टिव कॉलिजन माना जाएगा। एक और लेते हैं, देखो ये और ये, अब इसमें ये ऑक्सीजन जाके नाइट्रोजन से टकराएगा और उनके बीच में बॉन्ड नहीं बनना है, इसका मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, प्रोडक्ट नहीं बनेंगे और ये इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होगा। समझ में आई बात। तो हर कॉलिजन जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, उसके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो थ्रेशोल्ड वैल्यू के बराबर एनर्जी होनी चाहिए, और दूसरा वो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ एक दूसरे के साथ टकराने चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। और ऐसा दोनों, मतलब ये कंडीशन फुलफिल कुछ ही कॉलिजन के पास होती है, यही वजह है कि टोटल फ्रीक्वेंसी का कुछ परसेंटेज ही इफेक्टिव कॉलिजन कहलाता है। इफेक्टिव कॉलिजन वो कॉलिजन होंगे जिसमें कोलाइडिंग पार्टिकल इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करे। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन इसके कुछ और पॉइंट रह रखे वो अपन नोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स पॉइंट, द कॉलिजन विच एक्चुअली प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एंड रिजल्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज इफेक्टिव कॉलिजन। वो कॉलिजन इफेक्टिव कॉलिजन कहलाएगा जिस समय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास में दो चीजें होगी, एक तो वो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ टकराएंगे और एक उनके पास थ्रेशोल्ड वैल्यू के बराबर क्या होगी, एनर्जी। बोले तो जो दोनों कंडीशन फुलफिल कर देते हैं, एनर्जी बैरियर को भी क्रॉस करते हैं और ओरिएंटेशन बैरियर को भी क्रॉस करते हैं, बोले तो प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर एनर्जी रखते हैं, उनके बीच के कॉलिजन को क्या कहेंगे, इफेक्टिव कॉलिजन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है दो चीजों पर, एक तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पे कि कितने नंबर ऑफ कॉलिजन हो रहे हैं, और एक उसमें से कितना फ्रैक्शन जो है जिसके पास ये दोनों चीजें हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर एनर्जी, इन दोनों चीजों पर क्या डिपेंड करती है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू dx अपॉन क्या लिख सकते हैं अपन, dx अपॉन dt इक्वल टू F इंटू जेड, जहां F क्या है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिसके पास वो दोनों है, और जेड क्या है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ये अपने कॉलिजन थ्योरी थी, एग्जाम में अगर कॉलिजन थ्योरी आए तो उसको शुरू से लिखकर यहां तक लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते देखो, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ये सेकेंड थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट इज बिलीव दैट बिफोर द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल चेंज इंटू प्रोडक्ट दे फॉर्म इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विच हैज हायर एनर्जी देन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों से ही उस चीज की क्या होगी, ज्यादा एनर्जी होगी। इसे समझते हैं, जैसे ये ए बी है, ये सी के साथ रिएक्ट करना चाहता है, ये दोनों रिएक्टेंट है, तो ये इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, प्रोडक्ट क्या बनेगा, बी और सी, बी सी बन जाएगा और ए अलग हो जाएगा। ये बनने से पहले बीच में एक
स्टेट बनेगी जिसको कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट, और उस ट्रांजिशन स्टेट में ए और बी के बीच का बॉन्ड टूटता हुआ भी दिखेगा और बी और सी के बीच में बॉन्ड बनता हुआ भी सो होगा। ठीक है, एक्चुअल में ऐसे बनता और दिखता नहीं है लेकिन समझने के लिए अपन समझ सकते हैं। और ये जो स्टेट है इसे कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, क्यों? क्योंकि ये एक्टिवेटेड हो रखा है। कैसे हो रखा है? ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब एनर्जी एक्वायर कर लेंगे एक्टिवेशन के बराबर तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और जो बनेगा उसे कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट, और ये फिर बाद में किसमें कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और इसकी एनर्जी जो होगी इससे और इससे दोनों से ज्यादा होगी। देखो इसको इस ग्राफ से समझते हैं। सपोज करो ये ए बी और सी जो है वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है, और यहां से लेकर यहां तक इसको क्या चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी, यही होती ना, इतना ये बीच में स्टेट बनेगी फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो अब यहां से यहां तक की जो टोटल एनर्जी है वो जब इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को मिलेगी तब ये ट्रांजिशन स्टेट बना पाएगा और तब ये किसमें कन्वर्ट हो पाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस ग्राफ से एकदम क्लियर है कि इसके पास पहले से ही कुछ एनर्जी है, दिख रही है ना, ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की एनर्जी पहले से ही इसके पास है। तो अब इसको एक्स्ट्रा कितनी एनर्जी चाहिए? ये एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी कहलाएगी और ये कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। अपने डेफिनेशन में लिखा था याद हो तो, एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। एक्स्ट्रा क्यों बोला था? क्योंकि खुद कुछ पास में होती है। और टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड वो क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास कुछ एनर्जी होती है, फिर वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एक्वायर करते हैं, फिर ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, और फिर वो ट्रांजिशन स्टेट किसमें कन्वर्ट हो जाती है? प्रोडक्ट में। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी थी। एक और चीज, जो ये प्रोडक्ट बनेगा उसकी एनर्जी इस रिएक्टेंट के एनर्जी से कम हो सकती है जैसे कि इस ग्राफ में, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के एनर्जी से ज्यादा हो सकती है जैसे कि इस ग्राफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस दोनों केस को अच्छे से समझते हैं, हालांकि बुक में ये शायद पॉइंट नहीं दे रखा लेकिन आप अच्छे से समझो इसको, आपका एक और कंसेप्ट क्लियर ही होगा। देखो एक होती है रिएक्शन एंथैल्पी, 11th में आपने अच्छे से पढ़ा हो तो ध्यान दिया हो, रिएक्शन एंथैल्पी जो क्या होती है? प्रोडक्ट की एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस करने पर आता है। तो यहां प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस करेंगे तो डेल्टा एच, बोले तो एंथैल्पी में चेंज कितना आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि कम में से ज्यादा माइनस कर। यहां पे देखो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, या अगर एंथैल्पी में चेंज निकाले तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस, इधर भी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करेंगे अपन, तो प्रोडक्ट की ज्यादा है और रिएक्टेंट की कम है तो पॉजिटिव आएगा आंसर। कैसा आएगा? पॉजिटिव। अब इन दोनों को वैल्यू को समझते हैं। आपने सीखा होगा ऐसा कि जब एंथैल्पी में चेंज नेगेटिव आता है तो वो एक्सोथर्मिक होती है, और पॉजिटिव आता है तो वो कैसी होती है? एंडोथर्मिक। ग्राफ से भी समझते हैं। देखो यहां पर देखो ये जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो है वो यहां पर आ रहे होंगे तो यहां तक तो इसके बराबर एनर्जी होगी। अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतनी एनर्जी और कम करनी है तो इसका मतलब वो एनर्जी क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। कितनी एनर्जी? जितना ये गैप है उतनी एनर्जी रिलीज करेंगे, तभी तो प्रोडक्ट की एनर्जी जितनी एनर्जी होगी, इसलिए कैसा हो गया? एक्सोथर्मिक। और इस वाले में देखो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की ये एनर्जी है और प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा है, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो है ये इनको क्या करनी पड़ेगी? एक्वायर करनी पड़ेगी, चाहे वो टेम्परेचर से करे या और किसी मीडियम से करे, किसी वे से करे। ठीक है, तो ये अपने एक्सोथर्मिक का ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है, और एंडोथर्मिक का जो होता है वो ऐसा होता है। एंडोथर्मिक कब होता है? जब रिएक्टेंट की एनर्जी जो होती है वो प्रोडक्ट की एनर्जी से कम हो। और एक्सोथर्मिक कब होता है? जब रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा हो। और एक चीज, वापस अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। मेन ये ट्रांजिशन थ्योरी ये कहती है कि पहले रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो होंगे वो एक्टिवेशन एनर्जी को एक्वायर करेंगे और किसमें कन्वर्ट होता है? ट्रांजिशन स्टेट में। फिर ये ट्रांजिशन स्टेट किसमें कन्वर्ट होती है? प्रोडक्ट में। अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो पाएंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे, एकदम सिंपल सा। तो अगर इस रिक्वायरमेंट को मैं कम कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। इसका क्या मतलब है? कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक्टिवेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर कम रिक्वायरमेंट है एक्टिवेशन एनर्जी की तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट है एक्टिवेशन एनर्जी की तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। अब इस रिक्वायरमेंट को अपन दो तरीके से घटा सकते हैं। एक तरीका है टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के खुद की एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। सपोज करो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी यहां से बढ़कर यहां तक हो गई,
तो अब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी चाहिए, ये इतनी सी चाहिए, समझ रहे ना। तो एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट भी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, घटा देता है। कैसे घटाता है अभी एक अलग से क्वेश्चन में अपन देखेंगे, तो इसमें अपने कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अपने ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और कौन सी थ्योरी पूरी हो गई, कॉलिजन थ्योरी, दोनों ही पूरी हो गई। आप ये नोट कर लीजिए। फिर अपन क्या करते हैं, रेट कांस्टेंट की टेम्परेचर पे डिपेंडेंस देखते हैं, और साथ ही में अरेनियस इक्वेशन करेंगे, एक बोल्ट्जमान कर्व करेंगे, फिर एक दो क्वेश्चन और करेंगे। पहले आप ये नोट कर लीजिए, अरेनियस इक्वेशन। देखो अरेनियस इक्वेशन क्या है, बेसिकली अरेनियस इक्वेशन रेट और रेट कांस्टेंट की डिपेंडेंसी समझाती है, किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस ओनली फ्यू मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट टेक पार्ट इन रिएक्शन, कुछ ही मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, और वो मॉलिक्यूल कौन से होंगे, जिनके पास एक सर्टेन एनर्जी होगी, ठीक है, और प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा। सच मॉलिक्यूल नॉन एज एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इन एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल के नंबर भी बढ़ जाते हैं। क्यों, सपोज करो कि पहले सिर्फ 10 मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी थी या उससे ज्यादा एनर्जी थी, और कुछ मॉलिक्यूल के पास कम एनर्जी भी होगी। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सबकी एनर्जी बढ़ेगी, तो कुछ और मॉलिक्यूल की भी एनर्जी क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी, तो वो भी अब किस में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल के नंबर बढ़ गए और इससे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। उन्होंने ये रिलेशन एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया, और ये इक्वेशन क्या कहलाई, अरेनियस इक्वेशन। अपन को ये इक्वेशन डिराइव नहीं करनी है, या ये वाली तो लर्न करनी है। इसमें K क्या है, रेट कांस्टेंट, E A क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, A क्या है, अरेनियस या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, बेसिकली वो उन फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल को शो करता है जो किसमें कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। T क्या है, टेम्परेचर, और R क्या है, गैस कांस्टेंट, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ E A, एक्टिवेशन एनर्जी को अपन इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। निकालने के लिए पहले अपन इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और फिर दो तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से, और इस इक्वेशन को दो अलग अलग टेम्परेचर पे पुट करके भी एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले यहां से यहां तक कैसे आया ये समझते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसका लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग, लॉग के बेस में ई जो होता है वो लेंगे। तो दोनों तरफ लॉग लिया, तो ln के यहां पे भी ln लगा दिया। लॉग आपको पता होगा, लॉग में दो चीजें मल्टीप्लाई में होती है, तो उन्हें अपन प्लस लगा के लिख देते हैं। तो ए और ये एक्सपोनेंट के ऊपर जो है, ये दोनों ही क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इन दोनों के आगे लॉग लगा देंगे और प्लस लगा देंगे। तो ln a प्लस ln e की पावर माइनस e अपॉन rt, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो पावर जो होती है वो कहां आ जाती है, आगे, तो पावर को आगे लेके आगे। अब ln e की वैल्यू कितनी होगी, तो ln e की वैल्यू होगी 1। ऐसा क्यों, तो देखो लॉग में एक फॉर्मूला सिखाया जाता है कि अगर लॉग जो लेते हैं, अगर उसके बेस में यहां पर a ले रखा है और इधर भी a है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो अगर लॉग यहां पर e है बेस में और ऊपर भी e है, तो 1 होगा। लॉग के यहां 10 है, यहां पर भी 10 है, तो 1 होगा। एक्चुअल में लॉग क्या होता है कि 10 को 10 की कितनी पावर लगा के शो कर सकते हैं, तो 10 को 1 पावर लगाने पे 10 आ जाएगा। इसलिए अगर ये बेस सेम ले और वही चीज की वैल्यू फाइंड करनी हो तो 1 आता है, ठीक है। अब जो ln जो होता है वो बेसिकली log e को शो करता है, और अपन e की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 1 हो गया, तो वो 1 आ गया, ठीक है। तो इसको अपन हटा देंगे, पीछे ये इक्वेशन आ गई। अब मैं इस ln की जगह log लिखना चाहता हूं। ln की जगह log लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ln की जगह log लिखा, 2.303 से मल्टीप्लाई करा दिया। ln की जगह log लिखा और 2.303 से मल्टीप्लाई करा। इन दोनों में अपन को 2.303 कॉमन लेना है। तो यहां तो है तो कॉमन ले लिया, और पीछे लॉग ए बच गया, यहां था नहीं। तो जब भी अपन किसी चीज में से जबरदस्ती कोई चीज कॉमन लेते हैं, तो वो उसे अपॉन में लिख देते हैं। ऐसा क्यों होता है, सपोज करो, देखो मैं समझाता हूं। जैसे मुझे एक्स में से ए कॉमन लेना है, तो ए तो है नहीं, तो अब मैं पहले क्या करूंगा, इसको ए अपॉन ए, ऊपर भी ए नीचे ए से मल्टीप्लाई करूंगा। अब कॉमन ले लूंगा ए, तो ए कॉमन आ गया, नीचे वाला ए बच गया। अपन डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि जो चीज अपन कॉमन ले रहे हैं और कॉमन नहीं है वो कहां लिख देंगे, नीचे, ठीक है। तो 2.303 यहां नीचे लिख दिया, 2.303 से 2.303 कट गया। पीछे यहां क्या बचा, log k, यहां क्या बचा, log a माइनस ea 2.303 rt। अब अपन ग्राफ खींचते हैं, किस किस के बीच में, log k और 1 अपॉन t के बीच में, तो अपन एक्टिवेटेड एनर्जी निकाल सकते हैं। देखो ये log k, ये लिखा हुआ log k,
ये माइनस ई ए 2.303 आर और टी नीचे था उसको अपन ने 1/t लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये लॉग ए था, ये लॉग ए। अब अगर इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, देखो मैंने मैचिंग कलर से शो किया, ये y की जगह अपन ने लिया log के, m की जगह क्या आ रहा है माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, x की जगह अपन को क्या पुट करना है 1/t, और c की जगह क्या है log a। log k और 1/t के बीच में ग्राफ खींचेंगे, ये स्लोप के बराबर हो जाएगा और ये इंटरसेप्ट, क्योंकि इंटरसेप्ट है इसलिए जो लाइन है वो ऊपर से स्टार्ट होगी, स्लोप कैसी है नेगेटिव इसलिए ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट हो गया log k के बराबर, स्लोप हो गया माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर के बराबर। अगर मैं ये स्लोप निकाल लू ग्राफ प्लॉट करके, टेन थीटा पुट करके निकाल सकता हूं, तो मैं ईए भी निकाल सकता हूं, इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा माइनस इधर, तो माइनस 2.303 वैल्यू पता है, आर गैस कांस्टेंट वैल्यू पता होती है, और टेन थीटा स्लोप मैं निकाल लू तो मैं एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकता हूं। ठीक ऐसे कैसे मैं ए भी कैलकुलेट कर सकता हूं, इंटरसेप्ट जो था वो लॉग ए के बराबर है, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेता हूं, तो इंटरसेप्ट का जो एंटी लॉग होगा और इधर लॉग ए का एंटी लॉग बोले तो ए ही बच जाएगा, तो ए की वैल्यू एंटी लॉग इंटरसेप्ट के बराबर हो जाएगी। ए तो अपने है नहीं बुक में, तो ई ए का कैलकुलेशन, एक तो ये ग्राफिकल मेथड हो गया। एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं अपन, क्या करें कि ये इक्वेशन जो है अपन टी वन टेम्परेचर पे लॉग के को, सॉरी के को कैलकुलेट करेंगे, कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट से। तो टी वन पे के वन की जो वैल्यू आएगी वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, और टी टू पे जो के टू की वैल्यू आएगी वो इक्वेशन में पुट कर देंगे। एक बार टी वन टेम्परेचर पे पुट किया तो देखो लॉग के वन ई ए 2.303 आर टी वन लॉग ए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये की ये इक्वेशन टी टू टेम्परेचर पे लगाया तो यार टेम्परेचर की जगह टी टू लिख दिया और के की जगह के टू लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस किया, लॉग के टू में से लॉग के वन माइनस किया, ये माइनस कर दिया, ये ऐसे कैसे और ये ऐसे कैसे। अब ये ब्रैकेट जब हटेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का लॉग ए प्लस का लॉग ए कट जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा तो ई ए 2.303 आर टी वन, ये प्लस का पहले लिख दिया, ये माइनस वाला बाद में लिख दिया, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, लॉग में दो चीजें माइनस में होती है तो उसे अपन किस में लिख देते हैं अपॉन में, तो ये अपॉन में नोट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दोनों में ई ए 2.303 आर कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा 1/t1, यहां पे क्या बचा 1/t2, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये आ गया। अब देखो टी वन और टी टू अपन ने खुद ने टेम्परेचर डिसाइड किए थे, उनपे के वन भी अपन ने खुद ने डिसाइड किया तो वो पुट कर देंगे, आर की वैल्यू अपन जानते ही है, 2.303 की वैल्यू अपन जानते हैं, तो ई ए की वैल्यू अपन क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। इस तरीके से ये अपने अरेनियस इक्वेशन और उससे एक्टिवेशन एनर्जी की कैलकुलेशन पूरी होती है। इस वाले फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए फिर अपन आगे बढ़ेंगे। न्यूमेरिकल देखते हैं, अभी जो अपन ने इक्वेशन निकाली थी उसपे, तो देखो कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। आपको दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी होगी और बोल देंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालो, ठीक है, कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, थ्योरी में दे देंगे। एक चीज याद रखना कि जो टेम्परेचर है वो केल्विन में होना चाहिए, अगर सेंटीग्रेड में है तो भी उन्हें केल्विन में कन्वर्ट करना है, और बाकी तो आपको काम एकदम सिंपल सा करना है, जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में के वन के टू की वैल्यू पुट कर दो, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो इसकी जगह वही रहने दो, आर की जगह ये वैल्यू याद रखना 8.314 आर की वैल्यू होती है वो पुट कर देंगे, और टी वन टी टू की जगह जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 32.05। अब इसके लॉग की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, और अगर नहीं दे रखी है तो इसको ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहने दो, क्योंकि ये आप वैल्यू निकाल नहीं सकते, ठीक है, और बाकी इधर इधर उधर सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन तो ये तरीके का है। एक और क्या हो सकता है कि आपको ई ए दे दे, टी वन भी दे दे, टी टू भी दे दे, और टी टू और के वन दोनों में से कोई एक दे दे, दूसरा आपको निकालना होगा, ठीक है। एक और लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप देखना। फॉर अ रिएक्शन टेम्परेचर कोफिशिएंट इज टू कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि आपकी बुक में नहीं दे रखा। ये देखो इसमें अपन को क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी, सिर्फ एक ही चीज दी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है और एक्टिवेशन एनर्जी निकालो। तो देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है वो तब निकाला जाता है, पहले तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, दो रेट कांस्टेंट का रेशियो, तो बोले तो के टू और के वन का रेशियो, सही है ना, और टू, तो अपने इस इक्वेशन में के टू अपॉन के वन की जगह वैल्यू आ जाएगी। और वो रेट कांस्टेंट का रेशियो कब आता है, जब टेम्परेचर में कितने का फर्क हो, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो अगर एक में 25 डिग्री सेंटीग्रेड लू तो दूसरा क्या हो जाएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टी वन और टी टू भी मालूम चल गए, के टू अपॉन के वन, के टू और के वन अलग अलग तो नहीं मालूम है लेकिन उनका रेशियो मालूम चल गया टू,
ठीक है, इनको केल्विन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रैक्टिस करना हो जाएगा। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन की प्रॉब्लम रहती है, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, लेकिन हो जाएगी, ठीक है। और लॉग के वैल्यू की टेंशन ना ले, वो क्वेश्चन में गिवन होगी, या फिर लॉग टू लॉग थ्री, जैसे इस वाले में लॉग टू चाहिए तो वो तो आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते, देखो एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पर कैटलिस्ट का इफेक्ट समझाना, ये बोर्ड में आ रखा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। एकदम सिंपल सा है कि कैटलिस्ट यूज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, तो क्यों बढ़ती है? तो देखो इस पाथ को देखते हैं, ये रिएक्टेंट थे, ठीक है, और ये अपने क्या बन गया, प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट ब्लू वाली लाइन से फॉलो करता हुआ ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा और फिर किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर मैं कैटलिस्ट लू तो कैटलिस्ट एक अल्टरनेटिव पाथ अवेलेबल करवाता है, उसमें ट्रांजिशन स्टेट कुछ और बनती है, और रिएक्टेंट से ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ग्राफ से एकदम क्लियर है कि जब कैटलिस्ट लिया और उस समय जो ट्रांजिशन स्टेट बनी उसके हिसाब से एक्टिवेशन एनर्जी की नीड क्या है, कम, और इस वाले में एक्टिवेशन एनर्जी की नीड ज्यादा है। तो अगर मैं कैटलिस्ट लेता हूं तो कैटलिस्ट एक अल्टरनेटिव पाथ अवेलेबल करवाता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी की नीड क्या होती है, कम होती है, और इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। अपन को ग्राफ ड्रॉ कर देना, ये ब्लू वाली लाइन जो है वो इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट है और रेड वाली लाइन जो है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है। रेड वाली लाइन का देखो एक्टिवेशन एनर्जी इतना है जबकि ब्लू वाली लाइन का इतना है, तो रेड वाली का एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम है इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। एकदम सिंपल। एक टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो अपन पहले पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, रेट कांस्टेंट, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ा जाए तो रेट कांस्टेंट डबल और ट्रिपल हो जाता है, जिसे रेशियो को टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, ये सब अपन डिस्कस कर चुके हैं। कारण क्या है, तो देखो कारण को अपन कोलिजन थ्योरी से भी समझा सकते हैं और ट्रांजिशन और एक्टिवेशन से भी समझा सकते हैं, दोनों ही लिख देंगे, हालांकि दोनों लगभग बात सेम ही कह रही है। देखो कोलिजन थ्योरी कहती है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे, देखो अपन पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कोलिजन थ्योरी के हिसाब से किसके बराबर होती है, रेट कांस्टेंट होता है एफ और जेड। एफ होता है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन और जेड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एफ भी बढ़ता है और जेड भी बढ़ता है, दोनों एफ भी बढ़ेगा और जेड भी बढ़ेगा, इससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। तो इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि ज्यादा एनर्जी होने पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ज्यादा टकराएंगे। हालांकि ये जो कारण होता है ये रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीमेंट थोड़ा कम करेगा, अगर इससे एक्सप्लेन करें तो इतना रेट ऑफ रिएक्शन में इंक्रीज नहीं होगा। और पर दूसरा वाला जो पॉइंट है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ता है, क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे और मॉलिक्यूल आ जाएंगे जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगी, तो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल के नंबर बढ़ गए और एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल के नंबर बढ़ेंगे तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा और उस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके नीचे अपन बोल्ट्जमान मैक्सवेल बोल्ट्जमान का कर्व भी समझा सकते हैं जो अभी अपन आगे समझाएंगे, ठीक है, और इस वजह से बढ़ता। और ट्रांजिशन थ्योरी से देखें तो ट्रांजिशन थ्योरी क्या कहती है कि पहले ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, उसके लिए जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए वो एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकाली जाती है कि रिएक्टेंट के पास खुद के पास जितनी एनर्जी है और जितनी टोटल चाहिए उसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये वाली वो आ जाएगी, क्या कहते हैं, एक्टिवेशन। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के खुद की एनर्जी बढ़ जाती है, तो अब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी चाहिएगी, कम चाहिएगी, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी में से रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी माइनस करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्टेंट के खुद की एनर्जी इंक्रीज होती है, ऊपर एरो का मतलब इंक्रीज होती है, तो रिक्वायर्ड काइंड जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन एक लास्ट टॉपिक करते हैं चैप्टर का, फिर अपने चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट लेते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो क्या है इसको देखते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट और ग्राफ को भी समझते हैं। देखो इनके अकॉर्डिंग क्या है, ऑल मॉलिक्यूल डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं या कहीं पे भी, जैसे इन्होंने गैसियस थ्योरी के लिए भी दी थी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के लिए, तो इन्होंने ये भी बोला था कि जो एक जगह पर जितने भी गैस मॉलिक्यूल होते हैं उन सबकी भी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एक जैसी नहीं होती। अपन रिएक्टेंट पे फोकस करते हैं तो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होंगे उन सब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होगी, कुछ की कम होगी कुछ की ज्यादा होगी। तो फिर इन्होंने बोला कि एक ग्राफ प्लॉट करते हैं किस किस के बीच में एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एट पर्टिकुलर टेम्परेचर।
एनर्जी और कितनी एनर्जी किस मॉलिक्यूल के फ्रैक्शन की है, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और एनर्जी के बीच में ग्राफ करते हैं, और वो भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो एक कर्व आएगा। यहाँ पे दो कर्व दे रखे हैं, वो दो अलग अलग टेम्परेचर पे खींचे गए, तो वो कर्व जो आता है उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। वो ये बताता है कि एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो अगर पहले मैं ये ब्लैक वाले कर्व की बात करूं, तो इसमें देखो अगर मैं ये वाले मॉलिक्यूल देखूं, तो इनकी एनर्जी ये वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी है, इतने मॉलिक्यूल की एनर्जी है, इतने मॉलिक्यूल की एनर्जी है, ठीक है, फिर वापस एनर्जी घट रही है। मतलब कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल के नंबर, जैसे यहां पे एनर्जी कम है, देखो यहां जीरो से स्टार्ट होंगे, इस लाइन पे क्या चल रही है, काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर मैं देखना चाहूं कि इतनी एनर्जी वाले कितने मॉलिक्यूल है, तो यहां टच करूं, इतना फ्रैक्शन इतने एनर्जी वाले। ये वाली एनर्जी देखना चाहूं कि कितने फ्रैक्शन की है, तो ये इतने फ्रैक्शन की। तो कम एनर्जी वालों के भी नंबर कम है और ज्यादा एनर्जी वालों के भी नंबर कम है। ज्यादातर मॉलिक्यूल की एनर्जी कैसी थी, इंटरमीडिएट। जैसे ये वाली इंटरमीडिएट एनर्जी है, ये देखूं तो सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की एनर्जी ये, इसको कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, देखो एज वेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, कर्व शिफ्ट टू राइट एंड बिकम फ्लैट। कर्व जो होता है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है और थोड़ा फ्लैट हो जाता है। ऐसे क्यों? जैसे ही अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हर मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जो कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल थे उनके नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी बढ़ चुकी है, और जो बाकी के हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल, जो मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी ज्यादा है, उनके नंबर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि हर मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या थी, बढ़ी थी। तो कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल अब कम बचे, तो इस वजह से ये देखो यहां पे, देखो अगर मैं इस पर्टिकुलर जगह पर कंपेयर करूं, ये इतनी सी एनर्जी वाली पे कंपेयर करूं, तो पहले ग्राफ में यहां टच हो रहा था, इसका मतलब फ्रैक्शन ज्यादा था, अब यहां टच हो रहा, मतलब फ्रैक्शन कम है। लेकिन अगर मैं ज्यादा एनर्जी की तरफ देखूं, तो अगर मान लो ये वाली एनर्जी चेक करूं, तो पहले ग्राफ यहां टच हो रहा था, इतना फ्रैक्शन था, अब ग्राफ यहां टच हो रहा, मतलब इतना फ्रैक्शन। तो ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल के नंबर बढ़ते हैं। अब अपने रिएक्शन पे इसका क्या इंपैक्ट है वो देखते हैं। तो अगर मैं मानूं कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, क्या है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको यहां टच कराता हूं, तो ब्लैक वाले में इस वाले के बाद में कितने फ्रैक्शन थे, ये जो फ्रैक्शन शो कर रहा है वो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन जब अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये यहां पे टच कर रहा है, अब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल के नंबर कितने आ रहे हैं, फ्रैक्शन कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, जबकि पहले कितना था, कम था। तो पहले एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कम थे, एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्टिवेटेड मॉलिक्यूलों के नंबर बढ़ गए, ये अपन पहले भी समझ चुके हैं, बस इन्होंने ग्राफ से समझाया। तो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल के नंबर बढ़ गए, और नंबर बढ़ गए तो क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि इफेक्टिव कॉलिजन क्या होगा, ज्यादा होगा। इस कर्व को अपन को ड्रॉ करना है, और एग्जाम में अगर प्लॉट करने को कहे तो अपन को बनाना है। ज्यादातर कर्व ही पूछते हैं, थ्योरी नहीं पूछते, लेकिन फिर भी अपन लिख सकते हैं। मेन इंपैक्ट क्या है इस कर्व का, वो ध्यान से सुनो कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये कर्व फ्लैट होता है और दाईं तरफ खिसकता है। दाईं तरफ बोले तो इस तरफ और इस तरफ ज्यादा एनर्जी होगी। देखो इस तरफ अपन जब मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब फ्लैट होके दाईं तरफ मूव होने का मतलब है कि ऐसे मॉलिक्यूल के नंबर बढ़ रहे हैं जिनकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। और ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल के नंबर भी ज्यादा आएंगे, इफेक्टिव कॉलिजन ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो ये मैक्सवेल ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से भी वही चीज समझाई। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को रेट ऑफ रिएक्शन पे समझाओ और बड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना हो, तो सबसे पहले अपन ये लिखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, ठीक है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला वो बात लिखेंगे कि भाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे जो रेट कांस्टेंट होता है वो डबल और ट्रिपल हो जाता है, फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद लिखेंगे रीजन जो अभी अपन ने लिखे थे क्वेश्चन में वो सारे लिखेंगे, लेकिन जो अपन ने कॉलिजन थ्योरी के नीचे दो पॉइंट लिखे थे उस पॉइंट के साथ ये ग्राफ और ये थ्योरी भी लिख देंगे, तो अच्छा सा क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? और अगर थोड़ा शॉर्ट हो तो खाली ग्राफ तो बना ही सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है कि K की वैल्यू ये दे रखी है और एक्टिवेशन एनर्जी निकालो, तो K का अरेनियस से ये इक्वेशन होता है, इसको कंपेयर करें तो देखो K की जगह K, एक्सपोनेंट की जगह एक्सपोनेंट, T की जगह T दिख रहा है, इसका मतलब E के आगे जो ये किसकी वैल्यू हो गई, A की वैल्यू। अगर A की वैल्यू निकालने को बोलते तो ये अपन लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब इसमें टी के अलावा इधर क्या बचा, माइनस ई ए अपॉन आर, और इसमें टी के अलावा इधर क्या बचा, माइनस टू ए डबल जीरो ट्रिपल जीरो केल्विन। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं तो माइनस ई ए अपॉन आर टी जो ऊपर पावर थी और इधर भी ऊपर पावर है, उन दोनों को एक दूसरे के इक्वेट कर देंगे, टी से टी कट हो जाएगा, मुझे ई ए निकालना है, आर को उधर भेज दूंगा, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 28,000 आर केल्विन। अब आर की वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये यूनिट थी, केल्विन से केल्विन इनवर्स से केल्विन इनवर्स, केल्विन कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा जूल और मोल। ठीक है, तो जूल अपॉन मोल आगे, ये एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सिंपल सा। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स खत्म होता है। जाते जाते मैं आपको एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ में छोड़ के जा रहा हूं, वो भी आप प्रैक्टिस कर लेना। उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा, तो खूब अच्छे से मेहनत कीजिए। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो एक बार उसे रिवाइंड करके वापस अच्छे से सुनिए, आपको जरूर समझ में आएगा। तो खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।